झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य से इस बार चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाया हो जाएगा। गिरिडीह जिले के जमुआ विधानसभा के रेंबा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि लोकसभा चुनाव में दुमका से शिबू सोरेन के चुनाव हारने के साथ ही राज्य में बदलाव शुरू हो जाएगा। झारखंड को लूटने वाले झामुमो का इस चुनाव में सफाया हो जाएगा। उन्होंने हेमंत सोरेन पर अपने पिता शिबू सोरेन को कैद में रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल शिबू सोरेन को पिंजरा से रांची की सभा में निकाला गया। जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हो सकता, वो राज्य का क्या होगा? हमने राज्य को बेचने का काम नहीं किया। जैसे आप जानते हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग 1993 में झारखंड की अस्मिता को 2-2 करोड़ रुपए में बेचने का काम किया। झारखंड की अस्मिता को बेचने का काम किया था। और आज सारे लोग जो 14 वर्ष तक इस झारखंड को चारागाह बना के रखा और गठबंधन गठबंधन की राजनीति कर इस झारखंड के संसाधन को लूटने का काम। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, जल शक्ति मंत्रालय के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। उन्होंने कहा कि झारखंड में लाल कार्ड के साथ सफेद कार्ड वालों को भी गोल्डन कार्ड फ्री में भी बनेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर घर में 5 व्यक्ति है तो 5-5 लाख रुपए का गोल्डन कार्ड बनवाए ताकि बड़े अस्पताल में गंभीर बीमारियों का इलाज हो सके। साथ ही कहा कि नारी शक्ति को हक दिए बगैर समाज का विकास नहीं हो सकता, लिहाजा उन्होंने बच्चियों के जन्म से लेकर विवाह तक का इंतजाम कर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पहले वे लड़कियों के मामले में पहले पढ़ाई और फिर विदाई की नीति अपनाएं। पानी का टेप खोलकर पानी ले सकते, बाहर उसको पानी कराने की जरूरत है, क्योंकि पानी का दर्द पुरुष नहीं समझता, पानी का दर्द हमारी बहन समझती है, क्योंकि पानी उसे ढोके लाना पड़ता है। और इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता है हर घर में नल की व्यवस्था करना। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है।